नमस्ते प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी गया है दशहरा और अब आने वाली है दिवाली, अपने साथ गोवर्धन पूजा और भैया दूज लेकर। तो त्योहारों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है और इन त्योहारों में सबसे ज़्यादा याद आती है हमें तरह तरह की मिठाइयाँ। तो चलिए आज ऐसी ही एक मिठाई की दुकान पर चलते हैं जो अपने नाम और काम के लिए बहुत फेमस है। ये दुकान कहाँ है? हमारी आज की वर्कशीट में। हमारी आज की वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, तो इसी काम को आज हम शुरू करने वाले हैं। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 27 अक्टूबर 2020। वर्कशीट नंबर है 95 और वर्कशीट में आपको मिलेगी बेली राम की मिठाई की दुकान। बेली राम की दुकान अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। यह बहुत पुरानी दुकान है। इस वर्ष यह दुकान अपने 25 साल पूरा करेगी। इस 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उन्होंने अपनी लोकप्रिय मिठाइयों के साथ मिठाई का एक विशेष डब्बा बनाया। इस विशेष डब्बे में 5 बेसन के लड्डू, 6 बर्फी, 10 काजू कतली, 4 इमरती और 8 गुलाब जामुन थे। तुरंत उन्हें 10 विशेष मिठाई के डब्बों का ऑर्डर मिला। तो इस खास डिब्बे में, जिसमें कि 5 बेसन के लड्डू, 6 बर्फी, 10 काजू कतली, 4 इमरती और 8 गुलाब जामुन का एक डब्बा इन्होंने बनाया, जैसे ही ये मार्केट में आया वैसे ही इन्हें 10 विशेष मिठाई के डब्बों का ऑर्डर मिल गया। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की कितनी मिठाइयों की आवश्यकता होगी, तो आपको नीचे दी गई तालिका में यह बताना है कि एक मिठाई के डब्बे के हिसाब से 10 डिब्बों के लिए हर चीज़ की कितनी मात्रा चाहिए। तो चलिए हम मदद करते हैं बेली राम की मिठाई की दुकान में हिसाब लगाने में। हमारी टेबल है जिसमें 4 कॉलम्स हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है क्रम संख्या, फिर है मिठाई के नाम, फिर है डिब्बे के लिए, एक डिब्बे के लिए, और अब हमें बनाना है 10 डब्बों के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है लड्डू। पहले डब्बे, एक डब्बे में लड्डू है 5, तो अगर 10 डब्बे हैं तो 5 आएगा 10 बार। तो अगर आपको 5 का पहाड़ आता है फिर तो आप एक ही बार में बता देंगे। तो 5 दहाई 10, 5 दहाई 50, तो आपको 10 डब्बों के लिए चाहिए लड्डू 50। ऐसे ही बर्फ़ी, 6 बर्फी एक डिब्बे में, तो 10 डब्बों में कितनी हुई? 6 गुना 10, आप गुना करके लिख सकते हैं। और अगर आपको 6 का पहाड़ा आता है तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि 6 का पहाड़ा 10 तक अगर आप गाएंगे तो आपको सीधा पहुंचाएगा कहां पर? 6 धाम 60। ऐसे ही काजू कतली हैं 10 एक डब्बे में, तो 10 डब्बों में कितनी हुई? 10 गुना 10। इमरती एक डब्बे में है 4, तो 10 डब्बों में कितनी हुई? 4 गुना 10। गुलाब जामुन 8 एक डब्बे में, तो 10 डब्बों में कितने हुए? 8 गुना 10। हिसाब लगाते लगाते मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। और अब हमारी 10 डब्बों की मिठाई तैयार हो चुकी है। लोगों ने उनकी मिठाइयों को इतना पसंद किया कि शाम को उन्हें 20 विशेष मिठाई के डब्बों का एक और ऑर्डर मिला। वाओ, सुबह उन्हें 10 डब्बों का ऑर्डर मिला था, अब यही मिठाइयाँ उन्हें 20 डब्बों के लिए चाहिए। तो इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की कितनी मिठाइयों की ज़रूरत होगी? तो अब आपको दोबारा से तालिका दी गई है और इन्होंने अब की बार एक डिब्बे के लिए संख्या नहीं लिखी, अब आपको सीधा सीधा 20 डिब्बों के लिए संख्या निकालनी है। तो ये संख्या आप अपने आप निकालेंगे कि 20 डिब्बों के लिए लड्डू कितने, बर्फ़ी कितनी, काजू कतली कितनी, इमरती कितनी और गुलाब जामुन कितने। हिंट के लिए, कि आपका काम आसान हो जाए, मैं ये कह सकती हूँ कि आपने 10 डब्बों का हिसाब तो निकाल लिया, तो 20 डब्बों का हिसाब निकालने के लिए आप उन 10 डब्बों की मदद भी ले सकते हो, क्योंकि 10 का दुगना होता है 20। तो अब आप बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही 20 डब्बों का हिसाब निकाल सकते हो। चलिए, ये तो थी मिठाई की दुकान।
मिठाई की दुकान की खास बात क्या है कि चीनी को पिघलाकर वो अलग अलग चीज़ों में मिलाकर बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाते हैं। पर क्या आपको पता है चीनी कैसे बनती है? सोचिए, ये आपने बड़ों से पूछ सकते हैं। चीनी बनती है गन्ने से। तो आपको आज का काम ये भी करना है कि अपने घर वालों से पूछिए कि गन्ने से चीनी कैसे बनाई जाती है। और इन मिठाइयों के साथ साथ जो ज़रूरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कि हमें मास्क ज़रूर पहनना है कोविड से बचने के लिए। तो कीजिए अपनी वर्कशीट और बनाइए मिठाई के डब्बे। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।